खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहतक के एक सुभाष नगर में एक घर में आबकारी और कराधान विभाग ने छापा मारा है, जिसमें विभाग ने करीब 2.5 लाख रुपए की शराब बरामद की है। बता दें कि ये शराब फौजियों के लिए उपलब्ध सीएसडी कैंटीन की थी, जो करीबन 237 बोतल थी और जिसकी कीमत मार्केट में करीब 2.5 लाख रुपए बनती है। आशीष बलहारा नाम का व्यक्ति पिछले एक साल से अपने घर में अवैध रूप से शराब बेच रहा था, जिसके चलते आबकारी और कराधान विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मार कर शराब को जब्त कर लिया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम 61/114 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। K9 मीडिया के लिए रोहतक से विकास और लियान की रिपोर्ट। नाम क्या आपका? सुरेश कुमार, आबकारी इंस्पेक्टर रोहतक। आज हमने रोहतक में सुभाष नगर में एक रेड की आशीष संदोप श्री सतवीर सिंह बलहारा के मकान में, जिसमें अंग्रेजी और देश अंग्रेजी पोर्सेलिन हरियाणा और पोर्सेलिन शेडी कैंटीन, जो लगभग 235 बोतल और 10 बियर कैन ये प्राप्त हुई हैं, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है। तो सर कहाँ से कैसे लाता था ये कैंटीन से? ये कैंटीन अभी ये जांच का विषय है, किस बंदे के थ्रू लाता है, कैंटीन से कैसे लिया, रोहतक से लाता है या कहीं और से? तो आगे क्या कार्रवाई होगी उसकी? SRCSD कैंटीन से बैच नंबर के हिसाब से ये शराब कहाँ सप्लाई हुई है, किस कैंटीन को हुई है, आगे क्या कार्रवाई होगी सर? हाँ, उसके बाद किस लाइसेंसी को हुई है, किस फौजी को ये अलाट की गई है, वो सेल नहीं कर सकता, सिर्फ पीने के लिए यूज़ कर सकता है। तो शराब को आपने जब्त कर लिया है? हाँ, अभी जब्त कर लिया है। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज? 61/114 आबकारी अधिनियम के तहत। ठीक। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।